जाने कब होंगे कम इस दुनिया के हम। लाहौर में एक और माँ मसीहाओं के हाथों बेतौकीर, गंगाराम अस्पताल इंतजामिया बेहिस, खातून ने एमएस ऑफिस के सामने बच्चे को जन्म दे दिया, डायरेक्टर इमरजेंसी मुअत्तल, तहकीकात के लिए कमेटी कायम, 24 घंटे तक एडमिट ना करने का इंकशाफ। इन्हों को हमने बताया भी इसको पेन हो रही, इसको चेक करो, इन्होंने क्या भी अभी ठहर जाओ, अभी मरीज बहुत है, सारी रात असि हाँ जी जमीन पे ही रहे हैं, बेड बुड नहीं सानू दिता है ना, कल दे आए 2 बजे दे रात। हवा की बेटी ससुराल के मुबैना तशद्दुद का शिकार, आजाद कश्मीर के इलाके पलंदरी में पहाड़ से गिराई गई खातून पिंडी मुंतकिल, शोहर और ससुराली रिश्तेदारों ने धक्का दिया, पुलिस को बयान। इस बच्ची की ना मारा, मार के फिर ना गल की ससु पौड़ी चुनरी तू कठे धक्का मारी सटी, फिर भी उठा मारी तरीके सटी आए। मुस्लिम लीग नून की निकलनी शुरू हुई है, मैं जब कहता था 40 मेंबर तैयार हैं, ये मेरा मजाक उड़ाते थे, अगर ये 70-80 हो गए तो यहाँ लाल हवेली में हार चढ़ाना। नून लीग की ईंटें निकलने लगी, शाहिद खाकान, शहबाज शरीफ, चौधरी निसार, साद रफीक भी निकल जाएंगे, मार्च से पहले किक मार्च होगा, शेख रशीद का पिंडी में जलसे से खिताब, इकामा सिर्फ ट्रेलर करार। सुप्रीम कोर्ट ने लिहाज किया है नवाज शरीफ का, इसीलिए वो चूरन बेचता फिरता है, कामे में निकाला, पनामा में निकालते तो घबराओ नहीं, कामे में तो टेलर चला है नवाज शरीफ। मुस्लिम लीग मुतहद और शेख साहब तो की फाल और तोते भी बूढ़े हो गए, जिन तोतों से वो काम लिया करते थे वो तोते भी उड़ गए। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग के तोते बूढ़े हो गए, जईम कादरी का रद्द अमल, शेख चिली ना मुराद रहेगा, पांव पकड़कर इख्तदार में रहने से बेहतर है शेर की तरह चंद रोज कम जी लिया जाए, साद रफीक का ट्वीट। बदलती सूरत हाल में शहबाज शरीफ से चौधरी निसार की मुलाकात, सियासी माहौल पर बात, साद रफीक और रियाज पीरजादा में भी टेलीफोनिक राबता, तहफुजात अपनी जगह लेकिन लीडर नवाज शरीफ को ही समझता हूँ, नाराज रहनुमा की यकीन दहानी। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस, एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म लगा दी, साबिक वजीर आजम के नुमाइंदे का सेहत जुर्म से इनकार, हसन और हुसैन नवाज मफरूर मुल्जिमान करार, केस की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ के लिए एक और बुरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम की नाब रेफरेंसेस के खिलाफ दरखास्त एतराजात लगाकर वापस कर दी। इंतखाबी इस्लाहात कानून को चैलेंज करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तें एतराज लगाकर वापस कर दी, मुतालिका फोरम मौजूद है, इलेक्शन कानून के तहत ही नवाज शरीफ दोबारा पार्टी सदर बने, रजिस्ट्रार ऑफिस का मौकफ। नवाज शरीफ की वतन वापसी के शेड्यूल में तब्दीली, 21 के बजाय 23 अक्टूबर को लंदन से रवाना होंगे, 26 को एहतसाब अदालत में पेशी का इम्कान। शरीफ खानदान के खिलाफ एहतसाब इदारों ने शुरू किया, इस अमल से गुजरना ही पड़ेगा, ड्रामा खान इश्तिहारी हैं, फजलुर रहमान की चिनियोट में गुफ्तगू। हनीफ अब्बासी इन एक्शन, इमरान खान की नई मनी ट्रेल पर एतराजात सुप्रीम कोर्ट में जमा, दस्तावेज अदालती निजाम की तौहीन, लंदन फ्लैट के बारे झूठ बोलने पर सादिक और अमीन नहीं रहे, लीगी रहनुमा का मौकफ। तालीम याफ्ता खवातीन घर बैठ जाएं तो जीडीपी पर मनफी असर पड़ता है, गवर्नर मोहम्मद जुबैर का कराची की जिनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में खिताब, मरियम नवाज की कयामगाह पर पेश आया वाकया गलत फहमी का नतीजा करार।
मैं वहाँ गया, वहाँ रश इतना था मीडिया का, सो आई रियलाइज कि मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, पहले से बताना. सो आई गॉट बैक इन टू द कार और उनको फ़ोन किया अंदर कि जी दरवाज़ा खोल दे, क्योंकि मुझे तो वहाँ तक गेट तक आने में मुश्किल हो रही. दिस इज़ वॉट हैपेंड. अबे तर्जुमान का बाप बैठा हुआ है यहाँ पर भाई, तर्जुमान का बाप बैठा हुआ है और तर्जुमान का बाप मुस्तरद कर रहा है, तो अब वो जो बच्चे हैं तर्जुमान, उनसे क्या जरूरत है तर्दी, मैंने तो कर दी ना तर्दी. तर्जुमान के बाप का बयान, फारूक सत्तार ने इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी. दो घंटे बाद ही रुकने कामी असम्बली, सलमान मुजाहिद की पार्टी रुकनियत मंसूख. भाई की तहरीक इंसाफ में शमूलियत, नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी के ओहदे से मुस्ताफी. आसिफ अली जरदारी की काम जारी रखने की हिदायत, जियाले रहनुमा ने माजरत कर ली. शहबाज शरीफ से कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज की मुलाकात. कौम को बहादुर मुसल्ला अफवाज पर फख्र है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम एक पेश पर है. वजीर आला पंजाब पुरअज़्म. आर्मी चीफ से अफगान सफीर उमर जखेलवाल की मुलाकात. सिपा सालार की हमसाया मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत. दोनों ममालिक को भारी नुकसान उठाना पड़ा, कार्रवाइयां खिते में अमन की ख्वाहिश को कमजोर नहीं कर सकती. जनरल कमर जावेद बाजवा का दो टोक ऐलान. शरीफ का पीने के साफ पानी प्रोग्राम में बेसाबकी की शिकायत पर एक्शन है. वजीर आला पंजाब ने साफ पानी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया है. साफ पानी कंपनी के आला अफसर कर्नल रिटायर्ड मकबूल बरतरफ कर दिए गए हैं. वजीर आला पंजाब ने चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर शबनम को भी मुअत्तल कर दिया है. पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस या आवाम से धोखा. मंजूर नजर लोगों को लाखों की तनख्वाहें और मराहत. 8 साल में 56 कंपनीज में 80 अरब से जायद की बेजाबगियां. लोकल कंपनीज नजरअंदाज, तुर्क कंपनीज को मुतअद्दिद महंगे ठेके. दुनिया इन्वेस्टिगेशन विंग तहलका खेज इंकशाफात मंजरे आम पर ले आया. बेजाबतगियां, दुनिया न्यूज की तहकीकाती रिपोर्ट पर वजीर आला पंजाब इन एक्शन. तहकीकात का हुक्म, करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान. शहबाज शरीफ ने खुसूसी कमेटी बना दी. शहरियों की पटवारी से जान छूटी, एजेंट्स के हत्थे चढ़ गए. गुजरावाला में लैंड रिकॉर्ड सेंटर करप्शन का गढ़ बन गए. रिश्वत दिए बगैर अराजी की फर्द और विरासत करवाना मुश्किल. ये रिश्वत सेंटर बने हैं, पैसे दियो तो काम करा लो, नहीं तो आंदन जब दफा हो जाओ. इन्हें मेरी सुनी को नहीं आंदन, अब ये फैसला मानते 40,000 के लिए 10 में और लेके आया. इधर जो है पैसों के बगैर कोई काम नहीं होता. कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में 10 माह बाद कत्ल का मुअम्मा हल. दोस्त ही कातिल निकले. मुलजिमान मक्तूल जीशान के घर जाकर उसके वापस आने का पूछते रहे. SSP का इंकशाफ. पुलिस की सरपरस्ती है मंशियातों के ऊपर. यहाँ पर ताजरों का कोई तहफ़ नहीं फराम किया जा रहा. ऐसे जो को बरतरफ करो, हमारा तो इधर कोई तहफ़ नहीं है. वो तो खाली रेती लेन वालों को इनको लूटने के पैसों के चक्कर में लगा हुए. बहुत हो गई लूटमार, ताजरों ने बंद कर दिया कारोबार. कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में शटर डाउन हड़ताल. IG सिंध का नोटिस. DIG ईस्ट से रिपोर्ट तलब. के इलाके मलीर सऊदाबाद में मुलजिमों को पकड़ने के लिए गई पुलिस पार्टी पर फायरिंग. अहलकार जाम बहक, साथी मुलजिम को छुड़ाकर फरार.
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ملکی تاریخ کی منفرد سزا. کراچی کا قاسم میٹروپول سگنل پر پلے کارڈ اٹھا کر کھڑا رہا. نوجوان آنے جانے والوں کی توجہ کا مرکز. مشکل تو ہے بالکل دھوپ کے اندر کھڑا ہونا اور دو گھنٹے کے لیے, غلطی کا احساس ہے تو جب بھی آج پلے بورڈ لے کے کھڑا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر شہری کے لیے ایک سبق عام ہو جائے. سنیپ چیٹ کا معاملہ صرف تفریح کے لیے گیم سٹال کی, مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا. لاہور کے تینوں نوجوانوں نے ایف آئی اے کو بیان ریکارڈ کرا دیا. قندیل بلوچ قتل کیس زیر حراست مفتی عبدالقوی کی ملتان کارڈیالوجی اسپتال میں ای سی جی مکمل, ایک رپورٹ نارمل قرار, کل انجیوگرافی کا فیصلہ. ایف آئی اے پروسیکیوٹر غیر حاضر, ظفر حجازی پر ٹیمپرنگ کیس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی. سابق چیئرمین ایس سی سی پی کی بریت کی درخواست دائر. کیا دنیا میں ایسے ممالک نہیں ہیں جنہوں نے جنگ کے دوران کتے بلے چوہے اور پھر جوتے تک پکا کے پیے اور پھر دنیا میں نام پیدا کیا ان لوگوں نے؟ جب کے پی کے سے فصل آنا شروع ہوئی تو 110 اور 120 روپے ٹماٹر کا ریٹ چلا گیا. قوم ٹماٹر بحران سے پریشان, وزیر صنعت پنجاب نے جنگی حالات میں کتے بلے کھا کر نام بنانے والی قوموں کا ذکر چھیڑ دیا. پنجاب فوڈ اتھارٹی ان ایکشن, لاہور کے علاقے شاہدرہ میں گلے سڑے پھلوں اور مضر صحت کیمیکل سے تیار مربوں کی فیکٹری پکڑی گئی. 29,000 کلو تیار اور 11,000 کلو خام مال برآمد. ایک ہفتہ اور یونیورسٹی اوپن نہ ہوتی ہے تو پورے اسٹوڈنٹ کے سیمسٹر کا نقصان ہو جائے. 16 دن بعد کھلنے والی قائد اعظم یونیورسٹی میں تناؤ پھر بڑھنے لگا. سنڈیکیٹ نے برطرف طلبا کو فوری بحال کرنے کے بجائے کمیٹی بنا دی. طالب علموں نے پھر احتجاج کی دھمکی دے دی. بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں پہاڑ کا ایک حصہ بیٹھ گیا, دو کام کن جاں بحق ساتھ لاپتہ. ملک بھر میں آپریشن رد الفساد جاری, مختلف شہروں میں کارروائیاں, ایک دہشت گرد ہلاک, 26 گرفتار. کوہاٹ میں ٹرک سے اسلحہ برآمد, دو ملزمان پکڑے گئے. امریکہ نے احسان فراموشی کی انتہا کر دی. گزشتہ ہفتے بازیاب کرائے گئے غیر ملکی خاندان کو 5 سال تک پاکستان میں ہی رکھا گیا, سی آئی اے سربراہ کا الزام. امریکی وزیر خارجہ کا 4 ایشیائی ممالک کا آج سے دورہ, 23 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے. افغانستان میں امن سے اسلام آباد کے لیے خطرات کم ہوں گے, رکس ٹیلرسن کی گفتگو. پاک فوج کا ایک اور اعزاز, برطانیہ میں ہوئے کیمبرین پیٹرول مقابلے میں گولڈ میڈل جیت لیا. دنیا بھر سے 131 ٹیموں نے حصہ لیا. غرب ایجنسی کے قریب افغانستان میں ڈرون حملہ, 12 دہشت گرد ہلاک. کابل میں دھماکہ, 30 افراد جاں بحق. عراقی فورسز اور کرد ملیشیا کی لڑائی, فوج نے موصل ڈیم اور کرکوک کے آخری ضلع کا کنٹرول بھی سنبھال لیا.